नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ, एकदम से मेरे मन में आया मैं छोले भटूरे बनाने हैं। और बहुत सर्दी पड़ रही है, शाम का टाइम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि बन जाए अच्छे से। मेरे पास दही भी नहीं है, ये मैं बटर मिल्क ले रही हूँ। ये आधी कटोरी से कम मैंने सूजी ली है, इसको मैं बटर मिल्क में भिगा दे रही हूँ। इसको अच्छे से सोक कर लेना है, थोड़ी देर छोड़ दे रही हूँ इसको। ये मैंने इसी कटोरी से दो कटोरी पूरा भरकर आटा लिया है। ये मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये मैं इसमें एक साइड डाल दे रही हूँ। ये मैंने एक चम्मच पिसी हुई चीनी ली है। ये आधा चम्मच के करीब, मैंने थोड़ा आधा चम्मच से ज़्यादा कर देती हूँ, नमक लिया है। ये खाने वाला मीठा सोडा, आधा चम्मच से भी कम। मैं सोडा बहुत कम यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है पता नहीं क्यों सोडा इस्तेमाल। ये मैंने थोड़ा सा रोक लिया है इसमें हाथ। ये अगर ये इसमें तेल का हाथ लगाने के लिए मैंने रिफाइंड तेल लिया है। सूजी हमारी फूल रही है, तब तक मैं इसको अच्छे से मिला देती हूँ। ये जो मैंने इसमें कद्दूकस करके उबला हुआ आलू डाला है, इसको बिल्कुल आटे के साथ एक सार कर होने, जब तक ये इसमें अच्छे से इसकी गुठलियाँ हैं ये सब आटे बिल्कुल आटे की तरह एक सार ना हो जाए आटे में, तब तक इसको मैंने मिलाना है। अब वो सूजी और बटर मिल्क मेरा वो मैंने कटोरी में रखा हुआ है, इसको अच्छे से भीगने देना है। ये अच्छे से मट्ठे को अच्छे से सोख लेगी सूजी। अब इस सूजी को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये मैंने करीब डेढ़ दो चम्मच इसमें तेल डाल दिया। जैसे पराठे वगैरह के लिए आटा गूंथते हैं उतना ही गीला रखना है इसको। बहुत जा पूरी के लिए जैसे टाइट आटा करते हैं ऐसा टाइट भी ना हो, जैसे रोटी के लिए करते हैं ऐसा भी नहीं, जैसे पराठे के लिए ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा सख्त। इस आटे को मैं आधा घंटे के लिए ऐसे छोड़ दे रही हूँ, फिर एक बार इसको और मस लूँगी। मैंने तीन हरड़ डाल दी है। इसको चाहे तो आप उबालने के बाद इसको निकाल के एक तरफ भी कर सकते हो, या चनों के संग रहने भी देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है, ये फायदा ही करती है। इससे चनों का रंग काला हो जाएगा। ये चने मैंने उबाल लिए हैं, उबाल के मैंने इस बर्तन में रख दिए हैं, और दो उबले हुए आलू ले लिए हैं। इनको मैं छौंक के नहीं ऐसी बनाऊंगी आज। ये मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक,
काला नमक, अमचूर पाउडर आधा चम्मच है, ये मैंने एक ढक्कन ऑलिव ऑयल लिया है, एक नींबू का रस, 2 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, थोड़ा सा धनिया, 2 हरी मिर्च, 3 टमाटर, 2 प्याज। जो ये प्याज और टमाटर हैं इनको मैं बारीक चॉप कर लूँगी और इसको सबको एक साथ इसमें इंचनों में मिला दूँगी इनको। और ये नींबू का रस भी मिला दूंगी इसमें। इसको अच्छे से मिला देना। आलू को हाथ से मैश कर लूंगी। करना और नवी का ऐसे ही है।